हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, इतनी तेज धूप पड़ रही है, मतलब आप ये देखिए कि अगर आप धूप में बाहर चले गए बिना सनस्क्रीन लगाकर तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ही काली हो जाएगी और इतने ज्यादा फेस पर टैनिंग हो जाएगी, सन टैन हो जाएंगे। तो आज के मेरे वीडियो में यही दिखाऊंगी कि जब भी आप धूप में बाहर जाती हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। गाइस, जब भी आप धूप में बाहर जाए एक छोटा बैग जरूर लेके जाए। वैसे तो मैंने बहुत बड़ा ले लिया है दिखाने के लिए, बट आप बिल्कुल छोटा बैग लेके जाए जिसमें क्या है आपकी जरूरत का सामान भी आ जाए। और कुछ ऐसी चीजें जब भी आप धूप में बाहर जा रही हैं आपके बैग में होनी ही चाहिए जिसकी कभी भी जरूरत पड़ जाती है। सो गाइस, जब भी आप धूप में बाहर जा रही हैं, बाहर जाने के 30 मिनट्स के पहले आपको अपने फेस पे, नेक पे और जो जो एरिया आपका धूप में रहेगा सनस्क्रीन जरूर लगानी है जिससे आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। और फेस पर तो खास तौर पर आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। बॉडी का जो पार्ट विजिबल होता है उसके लिए मैं यही कहूंगी कि आप रेड समर कोट वगैरह पहन के जाएं, ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए, जहां तक वो फुल स्लीव्स के पहन कर जाएं। बहुत से लोग होते हैं जिनको मैंने सुना है कि अरे समर में फुल स्लीव्स का क्यों पहनेंगे, हमें तो बहुत गर्मी लगती है। बट गाइस, मॉर्निंग में अगर आप बाहर जा रही हैं 11 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम ऐसा रहता है जिस टाइम सूरज की बहुत तेज गर्मी पड़ती है और सूरज की किरणें भी तेज रहती हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो गाइस, सनस्क्रीन जरूर लगा के जाइए। और मैं यहाँ पर की सनस्क्रीन यूज करती हूँ, मुझे टैग की ये सनस्क्रीन इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर हल्दी और नीम है और ना ही ये ऑयली है। तो बाहर जाने से पहले मैं इसके 30 मिनट के पहले मैं इस पर लगा लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर SPF 50 है, तो काफ़ी बेस्ट, नॉन ग्रेसी है, ऑल स्किन टाइप है और इसीलिए मुझे ये अच्छी लगती है क्योंकि ऑयल फ्री है। बहुत सी सनस्क्रीन को जब भी हम लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो उसके लिए ये सनस्क्रीन काफ़ी मतलब बेस्ट है। मैं इस सनस्क्रीन को जरूर लगा के जाती हूँ। और लगाने के बाद आपका जो भी मतलब आपकी बॉडी वगैरह है, तो यहाँ पर तो आप कोई से भी सनस्क्रीन लोशन जो आता है वो आप लगा लीजिए, बट SPF 50 होना चाहिए गाइस। और अगर आप बाहर जा रही हैं, अगर आप गाड़ी चला रही हैं, कुछ भी चला रही हैं, तो जहाँ तक हो सके आप समर अपना ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए। आप समर कोट भी पहन सकती हैं, इस टाइप के समर कोट अगर आपके पास नहीं है, मोस्टली मेरे पास भी क्या अलग से तो समर कोट नहीं है, तो कोई भी मेरा लूज वाइट शर्ट या कोई भी होता है मैं इस टाइप का पहन लेती हूँ, तो इसको मैं एज अ समर कोट की तरह पहन लेती हूँ। ये मतलब फ्लोरल टाइप भी लगता है, अच्छा भी लगता है, ग्लव्स वगैरह पहन लेती हूँ। ये तो मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ, ऐसे में मैं व्हाइट कलर का पहनती हूँ जो अच्छे से कवर कर लेता है और अच्छा भी लगता है। नहीं तो कई पतले पतले स्रग ऐसे आते हैं, आप वो स्रग भी डाल सकती हैं जिससे आपकी स्किन खराब नहीं हो। बात गाइस, सनग्लासेस जरूर लगाइए आप। सनग्लासेस का बिल्कुल ध्यान रखिए अगर आप बाहर जा रही हैं, क्योंकि डस्ट वगैरह उड़ती है जिससे आपकी आईज वगैरह खराब नहीं हो। तो यहाँ पर आप चाहे तो कोई सा भी सनग्लासेस लगा सकती हैं, बट वो अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ पर मोस्टली यही सनग्लासेस लगाती हूँ क्योंकि मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है। और धूप में बाहर जाने पे आईज वगैरह मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मैं गाड़ी चलाती हूँ, स्कूटी, तो स्कूटी में एकदम डस्ट उड़ती है और धूप में तो आप सभी जानते हैं कि आँखें बहुत ज़्यादा ही रेड हो जाती हैं, तो सनग्लासेस जरूर लगाएं। दूसरी बात, ये तो कुछ चीज़ें थी जो आपको घर से ही करके जानी है, अब आपको अपने साथ क्या रख कर ले जाना है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है एक पानी की बॉटल। पानी की बॉटल आप अपने साथ जरूर रख के ले जाइए क्योंकि मोस्टली गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है और ऐसे में अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। तो उसके लिए मैं इस टाइप की छोटी बॉटल रखती हूँ जो कि आप देख सकती हैं बिल्कुल स्लिम है, ईजिली मेरे बैग में आ जाती है। तो इस टाइप की स्लिम बॉटल्स आप अपने बैग में रख सकती हैं जो हरदम आपके बैग में रहेंगी, जब भी आपको पानी की प्यास लगे आप पी सकती हैं। तो इस टाइप के बॉटल्स आप जरूर रखिए। एंड गाइस, साथ ही मैं स्कार्फ भी रखती हूँ क्योंकि मैं अपने फेस को कवर करके जाती हूँ, उसके लिए मैं यही स्कार्फ यूज़ करती हूँ और मुझे ये स्कार्फ काफ़ी अच्छा लगता है। स्कार्फ को कैसे कवर करना है इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। तो ये चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं, वो बिल्कुल भी अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखती हैं जिस वजह से उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। और चेहरे को कम से कम हर 2 घंटे में अपने चेहरे को धोते रहिए जिससे स्किन ऑयली नहीं हो और खूब पानी पीते रहिए। मैं
मैं तो आपको जस्ट दिखाने के लिए बड़ी बॉटल रख रखी है। रोज वाटर की इतनी सी बॉटल्स आती है स्प्रे के लिए, वो बोतल आप अपने पर्स में रखिए, जिससे जब भी आपको लगे आप थकी थकी हो रही है, थकान हो रही है, उस टाइम आप स्प्रे कर लीजिए। मेरे पास छोटी बॉटल से जस्ट अभी मिल नहीं रही, मैंने इसको कहाँ रख दिया, मैं भी जयपुर दिल्ली जाकर आई थी, जब ले गई थी फिर मुझे मिल नहीं रही है। तो इस टाइप की छोटी बोतल आप रखिए, जिससे जल्दी से आपको थकान हो आप स्प्रे कर लीजिए। यकीन मानिए रोज़ वाटर से जब आप अपने फेस को स्प्रे करेंगी तो आपको एक एनर्जी मिलेगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी, इंस्टेंट फेस पर ग्लो आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड गाइस लास्ट लिप बाम जरूर रखिए। मोस्टली आपने देखा जब भी गर्म गर्म हवा चलती है या हम बाहर जाते हैं तो हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाते हैं और लिप्स पानी की कमी की वजह से भी ड्राई होने लग जाते हैं। अगर हम दिन भर पानी नहीं पियेंगे तो हमारे होंठ फटने लग जाएंगे, तो उसके लिए एक अच्छी कंपनी का लिप बाम रखिए। गाइस मैं ये लिप बाम रखती हूँ, मुझे ये लिप बाम बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको लगाती रहती हूँ, जिससे कि मेरी स्किन ड्राई नहीं रहती है और मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने रहते हैं। तो ये लिप्स बाम भी मैं लगाती रहती हूँ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और उन सबसे ज़रूरी बात, अगर आप बाहर जा रही हैं गाइस तो आप सॉक्स भी पहन कर चाहिए, जिससे क्या है आपके पैर एरिया वगैरह जो है आपकी फुट वो ख़राब नहीं होंगे। तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट सॉक्स ले सकती हैं। इस टाइप के सॉक्स आते हैं बिल्कुल एंकल वाले, अब वो भी पहन सकती हैं। मोस्टली मैं ट्रांसपेरेंट ही सॉक्स पहनती हूँ, वही अच्छे लगते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो यकीन मानिए धूप में भी आपकी स्किन ऐसे ही ग्लो करती रहेगी। तो जब भी आप धूप में बाहर जाएं इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और खिले खिले नज़र आएगी। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ भी आपको जानना है पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।